किताब मिल गया है। हमें यह कहना था कि सारी लड़कियां अपना किताब लेके रोज आएगी, उसमें जिल्द लगा लेगी और उसको पढ़ेगी भी। अभी जांच होने वाला है, अफसर आएंगे, हर क्लास में घूमेंगे और तुम्हारा बुक देखेंगे और तुमसे सवाल पूछेंगे। वो रखने के लिए नहीं मिला है, वो पढ़ने के लिए मिला है। फटना भी नहीं चाहिए और पढ़ना भी है, दोनों ही बात है। क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो किताब लेने से क्या फायदा, ज्ञान हासिल होना चाहिए। और सभी मैडम सर को भी ध्यान देना है और स्टूडेंट को भी, हाफ ईयरली एग्जाम से पहले आधा सिलेबस पूरा होना चाहिए, समझे ना। और सभी लोग अपने अपने विषय का ध्यान देंगे, लड़कियां भी कोशिश करेंगी कि अपना सिलेबस टाइम पर पूरा करवाने के लिए सर मैम आए हैं या डीएलएड वाले मैम सर आए हैं, तो उन लोग से भी अपने कोर्स का कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जिसको कुछ न लिखने आता है न पढ़ने आता है, आगे की ओर बढ़ते जा रही है, वो लोग प्रैक्टिस करो लिखने पढ़ने का। नहीं पढ़ोगी ठीक से, आगे बढ़ने से कोई फायदा वदन है नहीं। चूंकि हम लोग को निर्देश है सरकार का कि सभी लड़कियों को अच्छे से पढ़ा लिखा के प्रमोट करते जाना है, तो हम लोग तो वो काम करेंगे ही, लेकिन तुम लोग को भी अपना पूरा समर्पण देना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति, समझे ना। जब तक समर्पित नहीं होगी पढ़ाई के प्रति, तब तक भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस करे पगुराई। जैसे कई मैडम सर हैं, काफी लगन से पढ़ाते हैं क्लास में, तो उनके क्लास में जाओ और उस विषय का लिखवा के देखो किसी लड़की से, तो गौर करोगी कि बहुत लड़की नहीं लिख पा रही है, जबकि पूरी बात बताया गया। तो हम चाहते हैं कि स्कूल की हर लड़की अच्छे से मेहनत करे और अच्छे से आगे बढ़े। एक बात और सुनने में आया है, एक दो गार्जियन आए थे हमसे कहने, जैसे कि कोई लड़कियां किसी के बहकावे पे कहीं चली जाती है, वो बात थोड़ी पुरानी है लेकिन अभी फिर ताजा हो गया इसलिए।